ये इनिशिएटिव भी टेक्नोलॉजी वाला है और मनोज जी ने व्यक्तिगत रुचि लेकर के इस काम को आगे बढ़ाया। उनका अपना टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड होने के कारण बहुत ही उत्तम प्रकार के उनके इनपुट्स मिले और उसका नतीजा है कि आज देश को एक बहुत बड़ा नजराना मिल रहा है। और आज 1 सितंबर देश के इतिहास में एक नई और अभूतपूर्व व्यवस्था की शुरुआत होने के नाते याद किया जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से देश के हर गरीब सामान्य मानवी तक, देश के कोने कोने तक, दूर दराज के पहाड़ों पर बसे लोगों तक, घने जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासियों तक, दूर किसी द्वीप में रहने वाले कुछ समूहों तक, यानी एक एक भारतीय के दरवाजे पर बैंक और बैंकिंग सुविधा पहुंचाने का जो हमारा संकल्प है, एक प्रकार से आज वो मार्ग इस प्रारंभ से खुल गया है। इस नई व्यवस्था के लिए मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक देश के अर्थतंत्र में, सामाजिक व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। हमारी सरकार ने पहले जनधन के माध्यम से करोड़ों गरीब परिवारों को पहली बार बैंक तक पहुंचाया और आज इस इनिशिएटिव से हम बैंक को गांव और गरीब के दरवाजे पर पहुंचाने का काम आरंभ कर रहे हैं। आपका बैंक आपके द्वार, ये सिर्फ एक घोषवाक्य नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, हमारा सपना है। इस सपने को साकार करने के लिए लगातार एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। देश भर के 650 जिलों में आज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखाएं प्रारंभ हो रही हैं और हमारी चिट्ठियां लेने वाला डाकिया अब चलता फिरता बैंक भी बन गया है। अभी जब मैं आ रहा था तो मैंने यहां एक प्रदर्शनी देखी, क्या व्यवस्था हो रही है, कैसे काम होना है, इस बारे में विस्तार से मुझे बताया गया और हो सकता है वो आपने भी स्क्रीन पे देखा होगा। और जब मैं इसे देख रहा था, वहां जो विशेषज्ञ थे जो मुझे इस सारी योजना का खाका समझा रहे थे, और तब मैं एक विश्वास, मेरे भीतर एक आत्मसंतोष का भाव जग रहा था कि ऐसे साथियों के साथ रह करके उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनका ये प्रयास जरूर नया रंग लाएगा। और मुझे याद है कि एक जमाना था और डाकिये के संबंध में मैं समझता हूं हमारे यहां बहुत सारी बातें कही जाती हैं। सरकारों के प्रति विश्वास कभी डगमगाया होगा, लेकिन डाकिये के प्रति कभी विश्वास नहीं था। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, जो लोग ग्रामीण जीवन से परिचित होंगे उनको पता होगा कि दशकों पहले डाकिया जब एक गांव से दूसरे गांव जाता था तो उसके हाथ में एक भाला रहता था, भाले पर एक गुंगरू बंधा रहता था, बेल बंधा रहता था।
और वो चलता था तो घुंघरू की आवाज आती थी। एक गांव से दूसरे गांव जब डाकिया जाता था और घुंघरू की आवाज आती थी तो उस इलाका कितना ही घना हो, कितना ही दुर्गम हो, कितना ही संकटों से भरा हो, डकैत हो, आते हो, जाते हो, चोर लुटेरे रहते हो, लेकिन जब घुंघरू की आवाज आती थी, ये डाकिया है, कोई चोर लुटेरा उनको परेशान नहीं करता था। उन चोर लुटेरों को भी पता था कि डाकिया किसी गरीब मां के लिए मनी ऑर्डर लेके जा रहा है। आपको मालूम होगा, अभी तो एक घर में पता हर कोने में शायद घड़ी पड़ी होगी, लेकिन पहले गांव में शायद एक आध टावर हो तो घड़ी होती थी, वरना घड़ी कहाँ होती थी। और मैं उस जिंदगी जी करके आया हूँ तो मुझे मालूम है कि जो बुजुर्ग लोग अपने घर के बाहर बैठे रहते थे और जरूर पूछते थे, डाकिया आ गया क्या? शायद कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं होगा जो दिन में दो चार बार ये पूछता ना हो, डाकिया आ गया क्या। लोगों को लगता होगा कि क्या उनकी कोई डाकाने वाली, डाक तो आती नहीं, लेकिन वो डाक के लिए नहीं पूछता था। उसे मालूम था कि डाकिया आ गया मतलब घड़ी में इतना टाइम हुआ होगा, यानी समय की पाबंदी। डाकिया आया कि नहीं आया, इसके आधार पर हमारी समाज व्यवस्था में तय होती। और इसलिए एक प्रकार से डाकिया हर परिवार से एक इमोशनल कनेक्ट चिट्ठियों से जुड़ा होता था, और इसलिए डाकिये को भी समाज में एक विशेष स्वीकार्यता और सम्मान प्राप्त था। आज के इस युग में टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ बदल दिया है, लेकिन चिट्ठियों को लेकर के डाकिया जो भावना, जो विश्वसनीयता पहले थी, आज भी वैसी ही है। डाकिया और पोस्ट ऑफिस एक प्रकार से हमारे जीवन का, हमारे समाज का, हमारी फिल्मों का, हमारे साहित्य का, हमारी लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हम सभी ने अभी जो एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे थे, डाकिया डाक लाया, ऐसे गीत दशकों तक लोगों को अपने जीवन का हिस्सा लगते रहे हैं। अब आज से डाकिया डाक लाया के साथ साथ डाकिया बैंक भी लाया है। दशकों पहले मैं एक बार कनाडा गया था तो मुझे कनाडा में एक फिल्म देखने को मिली थी, मुझे आज भी याद है। उस फिल्म का नाम था एयर मेल, और बहुत सचमुच में रोंगटे खड़े करने वाली फिल्म है, डाकिये डाक के ऊपर है। और हमारे जीवन में अपनों की चिट्ठियों का जो महत्व है, वह इस फिल्म की कहानी का आधार था। और फिल्म में एक हवाई जहाज था जिसमें चिट्ठियां जा रही थी, लेकिन वो दुर्भाग्य से क्रैश हो गया। इस हादसे के बाद जो हवाई जहाज क्रैश हुआ था उसमें जो चिट्ठियां थी उसको बटोर करके उन लोगों तक पहुंचाने की पूरी कथा उस मूवी में है, किस प्रकार से उन चिट्ठियों का जतन किया गया था, और ऐसे जैसे किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए कोशिश हो रही है, वैसी कोशिश डाकिये उस चिट्ठियों को बचाने के लिए कर रहे थे। हो सकता है शायद आज भी YouTube पर ये मूवी हो तो जरूर आप देखिएगा। और उन पत्रों में कितनों का दुलार था, संदेश था, चिंता थी, शिकायतें थी। चिट्ठियों में आत्मीयता ही उसकी आत्मा होता है। आज भी मुझे सैकड़ों की संख्या में हर रोज चिट्ठियां मिलती हैं,
पोस्ट विभाग का भी काम बढ़ गया है मैं जब से आया हूं। कोई चिट्ठी तब लिखता है ना जब उसको भरोसा हो। और मेरा जो मन की बात का कार्यक्रम होता है उसको लेकर के भी हर महीने हजारों चिट्ठियां आती है। ये पत्र लोगों के साथ मेरा सीधा संवाद स्थापित करते हैं। जब वो चिट्ठियां पढ़ता हूं तो लगता है कि लिखने वाला सामने ही है, अपनी बात सीधे मुझसे कह रहा है। साथियों, हमारी सरकार के अप्रोच समय के साथ चलते हुए भविष्य की आवश्यकताओं के हिसाब से व्यवस्थाओं में आवश्यक बदलाव की है। हम वो पुरातन पंथी नहीं है, हम समय के साथ बदलने वाले लोग हैं, हम टेक्नोलॉजी को स्वीकार करने वाले लोग हैं। देश की, समाज की, समय की मांग के अनुसार व्यवस्थाएं विकसित करने के पक्ष में है। जीएसटी हो, आधार हो, डिजिटल इंडिया हो, ऐसे अनेक प्रयासों की कड़ी में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी अब जुड़ गया है। हमारी सरकार पुरानी व्यवस्थाओं को अपने हाल पर छोड़ने वाली नहीं, बल्कि रिफॉर्म, परफॉर्म और उन्हें ट्रांसफॉर्म करने का काम कर रही है। बदलती टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और माध्यम भी बदले हैं, भले बदले हो, लेकिन मकसद तो अब भी वही है। अंतर्देशीय पत्र या इनलैंड लेटर की जगह अब भले ईमेल ने ले ली हो, लेकिन लक्ष्य दोनों का एक ही है। और इसलिए जिस टेक्नोलॉजी ने पोस्ट ऑफिस को चुनौती दी, क्योंकि लोगों को लग रहा था अब ये डाक विभाग रहेगा नहीं रहेगा, डाकिये रहेंगे नहीं रहेंगे, इनकी नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, चर्चा चल रही थी। टेक्नोलॉजी ने जो चुनौती दी, उसी टेक्नोलॉजी को आधार बनाकर हम इस चुनौती को अवसर में बदलने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय डाक विभाग देश की वो व्यवस्था है जिसके पास 1.5 लाख से अधिक डाकघर है। इनमें से भी 1.25 लाख से अधिक सिर्फ गांव में ही है। 3 लाख से अधिक पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक देश के जन जन से जुड़े हुए हैं। इतने व्यापक नेटवर्क को टेक्नोलॉजी से जोड़कर 21वीं सदी में सेवा का सबसे शक्तिशाली सिस्टम बनाने का बीड़ा हमारी सरकार ने उठाया। अब डाकिये के हाथ में स्मार्टफोन है और उसके थैले में, उसके बैग में एक डिजिटल डिवाइस भी है। साथियों, एकता, समानता, समावेश, सेवा और विश्वास का प्रतीक ये पोस्ट पेमेंट बैंक अब देश की बैंकिंग व्यवस्था को ही नहीं बल्कि डिजिटल लेन देन की व्यवस्था को भी विस्तार देने की ताकत रखता है। आईपीपीबी में बचत खाते के साथ साथ छोटे से छोटा व्यापारी अपना काम चलाने के लिए चालू खाता भी खोल सकता है। यूपी और बिहार का जो कामगार मुंबई या बेंगलुरु में काम कर रहा है वो आसानी से पैसा अपने परिवार को भेज पाएगा, दूसरे बैंक खातों में पैसा भी वो ट्रांसफर कर सकता है। सरकारी सहायता का पैसा मनरेगा की मजदूरी के लिए भी इस खाते का उपयोग वो आसानी से कर सकता है। बिजली और फोन के बिल जमा करने के लिए भी उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही नहीं, दूसरे बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी कर
पोस्ट पेमेंट बैंक ऋण भी दे पाएगा।